शहर में गड्ढों से बढ़ती दिक्कतों को लेकर प्रशासन बेखबर है। ऐसे में शहर भर में जगह जगह आंदोलन और असंतोष देखा जा रहा है। खाली जगह कचरा डालने वालों की अब खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परेड मैदान पर बने स्मृति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले 377 पुलिस जवानों को सलामी दी गई। शहर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बीच संयुक्त शोध कार्य को लेकर करार हुआ है। जनता की भारी मांग पर मनपा आयुक्त ने आज से पहले की तरह 361 बसें शुरू की, जिसमें 70 जीएनजी बसों का भी समावेश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी ही पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को सबक सिखाना चाहते थे। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में यह दावा किया। एमएएम पब्लिक स्कूल के समीप कुछ आरोपियों ने अपने ड्रग्स तस्करों के साथी की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। शहर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल व अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी पर केंद्रीय याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई।